एवरीवन, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में हनोई वियतनाम में। आज मेरा आखिरी दिन है हनोई के अंदर, सो शाम को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दनांग के लिए। तो अभी ओल्ड सिटी क्वार्टर के नियर बाय जो भी मेन डेस्टिनेशन है वो ट्राई करूँगा इतने दिन इतने टाइम में एक्सप्लोर करने की, जितना भी देख सकूँ उतना दिखाऊँगा आपको। अभी मैं हूँ हाओन खिम लेक करके कुछ है, जो ओल्ड क्वार्टर से काफ़ी यानी वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। ये सभी टूरिस्ट अट्रैक्शन में दिखा रहा है, मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में इसका। यहाँ पे सब कुछ एक लेक है छोटा सा सिटी सेंटर में। ये देखिए इस तरह से कुछ लोग वेडिंग सब फोटोज़ खिंचाने यहाँ पे आ रहे हैं। ये एक लेक के बीच में एक छोटा सा कुछ टेंपल जैसा, पूरा ये लेक। ये लेक के नियर ही एक ओपेरा हाउस करके है, हनोई ओपेरा हाउस, वो भी हम देखेंगे। और एक सेंट कैथेड्रल चर्च है कुछ यहाँ का, हनोई का सबसे पुराना चर्च, वो भी नियर बाई है। सब वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है, तो जितना देख सकते हो उतना अच्छे दिन में देख लीजिए। ये है वो हनोई सिटी टूर की बस। अगर आप इसमें अगर पूरा हनोई सिटी का टूर करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप सिटी टूर कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आप चलने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते तो ये हनोई सिटी का सिटी टूर बस है, जिसके अंदर सब लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन रहती है, जो जो लोकेशन पर ही ले जाते वो पूरा एक रूट मैप रहता है, जहाँ से वो सब प्लेसेस दिखाते हैं जो मेन मेन अट्रैक्शन है। ठीक है, अराउंड इसका कुछ प्राइस है 150,000 वियतनामी डॉलर, 350 रुपये तक होगा। इसके अंदर आप कोई भी स्टेशन पे उतर के कोई भी स्टेशन से चल सकते हो, और ये बस कंटिन्यू रनिंग रहती है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे यहीं से ये सब बस निकलती है और क्रॉस होकर सभी जगह पर जो मेन मेन स्टेशन है वहाँ पर लेके जाएगी। ये है वो सेंट कैथेड्रल चर्च जो यहाँ का फेमस चर्च है हनोई में, वो जो लेक है उसके काफ़ी नियर बाई है। ऐसे देखे तो सब कुछ यहाँ पे वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है सेंट्रल हनोई में, तो जो चीज़ जैसी है वो ऐसा जो ट्रांसपोर्टेशन करने का ज़रूरत नहीं है, पैदल का बेस्ट कर सकते हैं। ये तो क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही है। Thank you.
पीछे से भी ये काफ़ी बड़ा है चर्च, बाहर से जितना दिखता है ये उससे बड़ा है। ये पूरा चर्च का प्रेमाइसिस है। नो फोन्स, यहाँ से चर्च के अंदर जाने का रास्ता है और ये बंद है। अगर देखा जाए तो हनोई सिटी टूर एक दिन के अंदर हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो हलोंग और वो है वो सभी दूर है, क्योंकि उसके अंदर आने जाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर हनोई सिटी सेंट्रल के अंदर आप देखें, ओल्ड क्वार्टर्स के अंदर अगर आप रुकते हैं, तो ये जो भी यहाँ की चीज़ें जैसे मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, ये लेक, ये चर्च, ये सभी अराउंड कुछ 2 या 3 किलोमीटर के अंदर ही है। तो आराम से पैदल घूमते घूमते देख लीजिए, काफ़ी इतना समय तो। ये पूरा क्रिसमस ट्री बनाया हुआ है यहाँ पे। काफ़ी चलने के बाद ये सामने के स्टेट में ये ओपेरा हाउस, हनोई ओपेरा हाउस। ऐसे तो सब कुछ यहाँ पे देख लिया है, नियर बाई सब कुछ है तो पैदल चल के, और अभी एक वन किलर पकौड़ा बाकी है वो देख के फिर हॉस्टल निकलता हूँ, क्योंकि शाम को अभी मुझे यहाँ से जब दनांग की बस है मेरी यहाँ से शाम को 6 बजे, तो मुझे सुबह कुछ 8:30-9 बजे तक दनांग पहुँचा देगी। अभी तो यहाँ कुछ 1 बजा है, फिर भी अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। ये देखिए ये जो ओपेरा हाउस और यही सब ये सभी जो ओपन ओपन की बसें यहाँ पर भी पड़ी हुई है, यहाँ पे सभी जो कल्चरल शोर होते हैं ये होते हैं। यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर के अराउंड है वो वन किलर पकौड़ा, तो वहाँ जाके अभी वो देखेंगे। ये फाइनली अभी यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, वन किलर पकौड़ा। ये सबसे पुराना बुद्धिस्ट पकौड़ा है यहाँ पे हनोई में। ये पूरा कंपाउंड ये जो सामने है वो हो ची मिन जो यहाँ के पहले कुछ प्रेसिडेंट थे उनकी यहाँ पे कब्र है, यहाँ पे समाधि इसकी। ये पूरे कंपाउंड के अंदर ये यहाँ पे जनरल एडमिशन फ्री है और ऐसा कुछ उसका एडमिशन फीस है नहीं। ये जो वन पिलर पगोड़ा है ये कुछ सबसे पुराना हिस्टोरिकल यहाँ पे मंदिर है, तो टेंपल उसका 1050 साल में ये बना था, 1050 की साल में। यानी काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है यहाँ की। Unlimited
कौन है ये? ये देखिए ये सिंगल पिलर पे खड़ा हुआ ये और जिससे टेंपल है वन पिलर पकौड़ा। Yeah, this is why I said I'm not right before. ये है प्रेसिडेंट हो ची मिन की टॉम। तो फाइनली इसके साथ हो ची मिन सिटी टूर हुआ है ख़त्म। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा हॉस्टल, फिर शाम को यहाँ से मेरी बस है दनांग के लिए। तब तक सिर्फ इतना ही, आगे जाके हनोई से जो दनांग की बस है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा।